आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कोहरा, अंधेरा और खामोशी, इन तीन चीजों को चीरती हुई हमारी कार हाईवे पर आगे बढ़े जा रही थी। रात का वक्त था और कार में हम तीन लोग मौजूद थे, मैं, विराट और रोहित। दरअसल उस रात हम तीनों बेंगलोर में एक शादी अटेंड करके मैसूर यानी अपने शहर वापस लौट रहे थे। रोहित गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठा हुआ था। विराट पीछे वाली सीट पर लंबा होकर सो चुका था। उस वक्त ठंड बहुत ज्यादा थी, ऐसा कि गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मगर मैं कांप रहा था। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, बीच बीच में बस एक आध ट्रकें ही नजर आ रही थीं। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी गाड़ी एक झटके में ही एकदम से बंद पड़ गई। गाड़ी को ऐसे बंद होता देख मैंने रोहित से कहा, अबे कैसे गाड़ी चला रहा है तू? तो रोहित बोला, अबे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकराकर गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। इतना बोलते हुए रोहित ने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दोबारा चाबी घुमाया। पहली बार में तो नहीं मगर दो तीन बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्योंकि रोहित काफी देर से ड्राइव कर रहा था जिस वजह से अब गाड़ी को मैसूर तक ले जाने का सारा दारोमदार मुझ पर था। जिसके बाद रोहित और मैंने सीट बदल ली और वापस से आगे बढ़ने लगे। मेरी आदत थी जब भी मैं गाड़ी की स्टेयरिंग पकड़ता था सबसे पहले पेट्रोल चेक करता था। तो मैंने जब फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया क्योंकि गाड़ी में काफी कम पेट्रोल बचा था। जिस पर मैंने रोहित से कहा, यार ये पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? अभी निकलते वक्त ही तो पेट्रोल डलवाया था ना हमने। इस पर रोहित बोला, यार वो मेरी कार का माइलेज खराब हो गया, पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म होता है, चल आगे किसी पेट्रोल पंप से डलवा लेंगे। और रोहित से इतना सुनकर मैं गाड़ी चलाने लगा। अब तक रात काफी हो चुकी थी, सड़क पर भी थोड़ी देर पहले तक जो इक्का दुक्का ट्रकें नजर आ रही थी अब वो भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले रंग की एक बड़ी सी चादर को लेकर पूरे माहौल को ढक दिया हो। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर हाईवे के एक किनारे लगे बोर्ड पर गई जिसके एक तरफ लिखा था मैसूर 60 किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा था मैसूर 35 किलोमीटर। तभी मेरे बगल के सीट पर बैठे रोहित ने मुझसे कहा, सुन ये जो 35 किलोमीटर वाला रास्ता है ना वो ले ले, वहां से शॉर्टकट है और गाड़ी में पेट्रोल भी कम है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे भी रोहित की ये बात ठीक लगी जिस वजह से मैंने कार को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही जंगलों से घिरा हुआ भी था। उस रास्ते पर हमारे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रास्ते का ऐसा माहौल था कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो शायद उसकी भी आवाज पूरे फिजा में गूंज जाए। उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया सिर्फ कार की हेडलाइट ही थी। अभी हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था। जिस पर मैंने रोहित से कहा, लो हो गया लफड़ा, अब धक्का लगाओ तुम लोग। मेरी बात सुनकर रोहित ने पीछे सो रहे विराट को जगाया। विराट को सारी बात बताई और वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर धक्का लगाने लगे। क्योंकि हम इस रास्ते पर पहली बार आ रहे थे
इसलिए हमें इस रास्ते के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। किधर पेट्रोल पंप है और किधर ढाबा, हमें कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ हमारे लिए एकदम नया था और अनजान था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र रोड के बीचों बीच खड़े एक बरगद के पेड़ पर गई। उस पेड़ को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो पेड़ एकदम रोड के बीचों बीच था। उस पेड़ के नीचे चौपाल बनी हुई थी जहां कुछ रखा हुआ था, मगर क्या इतनी दूर से साफ साफ दिख नहीं रहा था। हॉर्न बजाकर मैंने रोहित और विराट को बुलाना चाहा, मगर हॉर्न बजाने के बावजूद भी उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। उन दोनों को देखने के लिए मैं गाड़ी के बैक वाइंड शील्ड की तरफ मुड़ा, मगर गाड़ी के पीछे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। पर यह कैसे हो सकता है, अगर वो दोनों पीछे हैं ही नहीं तो गाड़ी को धक्का कौन दे रहा है। मैंने ब्रेक मारकर तुरंत गाड़ी रोका और गाड़ी से उतरकर जल्दी से पीछे की तरफ गया तो सच में पीछे कोई नहीं था। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। आखिर दोनों लड़के गए तो गए कहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिवाय उन दोनों को फोन करने के उस वक्त मुझे कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा मैं कार से अपना मोबाइल निकालने के लिए सामने की तरफ गया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि विराट और रोहित दोनों कार में ही थे। उन दोनों को कार में अचानक देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। तभी मैंने खुद को संभालते हुए उनसे पूछा, कहाँ थे तुम लोग? तो रोहित बोला, हम लोग तो यहीं पर थे हमेशा से। इस पर मैंने कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, सामने देखो वो पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा है, आगे कैसे जाएंगे हम लोग? तो इस पर विराट बोला, उस पेड़ के बगल से एक रास्ता जाता है, उधर चल। विराट के ये कहने का लहजा कुछ अजीब सा था, जैसे वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, विराट भी तो मेरी ही तरह पहली बार इस रास्ते पर आया है। खैर तभी मैंने कहा, मेरे साथ कोई एक जन चलो पीछे धक्का लगाने। मेरी इस बात पर रोहित तैयार हो गया और हम दोनों पीछे जाकर गाड़ी को धक्का लगाने लगे। गाड़ी को धक्का लगाते लगाते अब हम लोग उस बरगद के पेड़ के एकदम पास पहुंच चुके थे। तभी कार के अंदर बैठे विराट ने गाड़ी को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। इसी दौरान जब मैंने उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि उस पेड़ के नीचे बने चौपाल पर बहुत से देवी देवताओं की फोटो वगैरह रखी हुई है। खैर हम लोग कार को धक्का देते रहे। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही मुझे अपने आसपास कुछ टूटे फूटे घर नजर आने लगे। उन घरों की हालत देखकर ये तो पक्का था कि उनमें कोई रहता नहीं होगा। कार को धक्का लगाते लगाते अब मैं काफी थक चुका था, मगर रोहित वो अभी भी उसी तरह से बिना किसी भाव के धक्का लगाए जा रहा था, जैसे उसे थकान ही नहीं हो रही हो, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगी। आखिर रोहित जैसे दुबले पतले लड़के में इतनी शक्ति कहां से आ गई। जिस पर मैंने रोहित से कहा, क्या बे रोहित, क्या खाकर निकला था शादी से, इतनी ताकत कब से आ गई, थकावट नहीं हो रही? मेरी बात सुनकर रोहित बोला, मुझे तुम लोगों की तरह थकावट नहीं होती। रोहित के ये बोलने का तरीका और आवाज दोनों ही बहुत बदले बदले से थे, क्योंकि जहां तक मैं रोहित को जानता हूं उसकी आवाज इतनी मोटी नहीं है। मगर फिर मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से उसका गला बैठ गया होगा। ये सोचकर मैं बिना कुछ बोले
चुपचाप गाड़ी को धक्का देता रहा। अभी मैं धक्का लगा ही रहा था कि तभी मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रखा मेरा फोन ज्यादा झुकने की वजह से जमीन पर गिर गया। अपना फोन उठाने के लिए मैं जैसे ही नीचे झुका तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने जो रोहित कार को धक्का लगा रहा था उसके दोनों पैर पीछे की तरफ थे, यानी उल्टे थे। थोड़ी देर पहले तक जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी रोहित के उल्टे पैर देखकर धीरे धीरे सब समझ आने लगी थी। जैसे तैसे मैं उठकर सीधा खड़ा हुआ तो रोहित का चेहरा देखकर उस सर्द की रात में भी मेरे पसीने छूट गए। रोहित का चेहरा एकदम बदल चुका था, वो रोहित नहीं बल्कि कोई और था। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए पीछे मुड़ा तो ठीक मेरे पीछे विराट खड़ा था। उसका भी चेहरा मेरी आंखों के सामने ही पूरा बदल गया। मैं समझ गया कि ये दोनों रोहित और विराट नहीं है, जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, वहां से भागकर सीधे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां चौपाल पर भगवान की काफी सारी तस्वीरें रखी हुई थी। मैं उस चौपाल पर चढ़कर बैठ गया और पूरी रात वहीं कटा दी। अगली सुबह जब मैं उस रास्ते से निकलकर हाईवे की तरफ जा रहा था तभी मुझे रोड पर रोहित और विराट बेहोशी की हालत में मिले। मैंने उन्हें होश में लाया मगर उन्हें कल रात की कोई बात याद ही नहीं थी। बाद में हमें कहीं से पता चला कि वो रास्ता हॉन्टेड है और इसलिए उस रास्ते के अगल बगल जो घर थे वहां के लोग भाग गए और जाते वक्त उन्होंने ही उस बरगद के पेड़ पर भगवान की तस्वीरें रख दी थीं, और शायद यही कारण है कि उस बरगद के पेड़ को काटा नहीं गया ताकि वो रास्ता कभी चालू ही ना हो पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।